नमस्कार। आज हम करानगर में स्थित शिवालय मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का मंदिर है, स्थापना हुई थी बाद में और बहुत से वर्षों से यहाँ पे श्रद्धालु आते रहे, आसपास के पूजा अर्चना होती रही। और यहाँ का ये प्रसिद्ध शिवलिंग है जिसे रुद्री शिवलिंग भी कहा जाता है। ये शिवालय मंदिर कश्मीरी हिंदुओं का एक कल्चरल सेंटर भी रहा है बहुत वर्षों तक। इसका छोटा सा इतिहास यहाँ पे दिया हुआ है और ये है मुख्य द्वार अंदर जाने का। ये सहस्त्र आक्षी वाला शिवलिंग भी है, इसमें बहुत सारी आंखें भगवान शिव की प्राकृतिक है और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है ये। इसकी लगातार यहाँ पूजा अर्चना होती है। ये देखिए आप, और यहाँ पे एक और प्राचीन शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है पीठ के ऊपर। हमारे साथ इस सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ यहाँ के यहाँ रहते हुए चंद्रमोहन जी भी है, जो 32 सालों से लगातार शोध कर रहे हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में, मंदिरों के ऊपर, भैरवों के ऊपर, यहाँ के गांवों के ऊपर और यहाँ के कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में। भट्ट साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो इस शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा इतिहास बताइए इस शिवलिंग का। शिवलिंग में 250 साल पुराना है। सुनने में आया है, कहा जाता है कि जब करणनगर कोई मकान वकान नहीं था, वहाँ हैबिटेशन नहीं थी, वहाँ एक ज़मीन खोली थी, खाली ज़मीन होती थी। तो जब मकान शुरू हो गए 1800, उस समय मकान बनाते बनाते जब उन्होंने प्लिंथ बनाई, उस समय ये शिवलिंग निकला है। रुद्र शिवलिंग है ये, कहते हैं इसकी एज 250 साल है। यानी कि 250 साल पहले ये निकला जमीन से, तो उसका मतलब है कि ये पहले भी बहुत प्राचीन शिवलिंग रहा है जो जमीन में दबा हुआ था। तो 250 साल पहले ये निकला फिर से, 250 साल पहले। तो जो आज इस शिवलिंग की जो स्थिति है उस हिसाब से यही समझा जा सकता है कि एक हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग होगा। रुद्र शिवलिंग बोलते हैं इसको, इसकी हजार आंखें हैं और हर दिन यहाँ पर और यहाँ पर हर दिन पूजा अर्चना हम करते रहते हैं। और यहाँ पर हमने एक दो सोमवार को सांप भी निकलता है जी। हाँ, हमने सांप को भी देखा है, एक दो बार हमने देखा है सांप, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया वो सांप। जी। तो ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर कश्मीरी पंडित लोग बहुत, यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस भी हुआ करता था, वो तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर एक सेंटर होता था ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, और आपके शोध के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा दर्शकों को कि वो लगातार चंद्रमोहन भट्ट जी के पोस्ट को फेसबुक पे पढ़ें और जानिए, ताकि कश्मीर के इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास की पूरी जानकारी भट्ट साहब के शोधों से और उनके लेखों के लिखनी के द्वारा हमें प्राप्त होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, बहुत बहुत।